सलाम कनिका, आदाब अंकित। आप ही मुगलों के तोते। आदाब हो गया, इतनी तरह जादाब बोलो, चल निकल। पता चला है मुझे यहाँ पे कि यहाँ पे बादशाह आए हुए हैं। बादशाह, लीजिए बादशाह, आपके लिए तकिया। तकिया किस लिए? ये बादशाह लोग हैं, दो बातें करके थक जाते हैं, बाद में कहते हैं ना थक लिया। तो इसलिए मैं उनके लिए यहाँ पे तकिया लाई हूँ कि आराम से बैठ सके। अरे ये वो वाले बादशाह नहीं है, मुगल बादशाह थोड़ी ना, ये रैपर बादशाह है। अच्छा, ये रैपर बादशाह। ओहो बादशाह, मुझे आपसे एक प्रॉब्लम है। आप लड़कियों को, जो ब्यूटीफुल लड़कियां होती हैं खास करके, उनको इग्नोर क्यों करते हैं? नहीं, एक बात होती है। उन्होंने कहा इग्नोर किया? किया ना, वो गाना जो था वो कितनी बारी लड़की कहती रही, डीजे वाले बाबू में गाने बजा दो, डीजे वाले बाबू में गाने बजा दो, डीजे वाले बाबू में गाने, क्या क्या करके नहीं बोला उस लड़की ने, पर इन्होंने उसका गाना नहीं बजाया। वो लड़की मर गई, क्या कह गई, सारे गाने में बोलती रही, गाना बजा दो, गाना चला दो, गाना बजा दो। शुरू से लेके एंडिंग तक लड़की ने हर इमोशन में कहा, रिक्वेस्ट भी की है और भी बड़ा कुछ तरीके से काफी कुछ कहा, बट नहीं, क्यों, व्हाई? तो एक बार बोल, तेरे कान के नीचे बजा दो, देखना दो बार बजाएंगे। एक मिनट, इसकी हेडिंग मैं नहीं ले सकती, ओके? मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, यहाँ पे अभी अंकित और बादशाह मेरे साथ यहाँ पे डांस करेंगे, और आप प्लीज जेलस हो जाना, क्योंकि ब्यूटीफुल लड़की के साथ डांस करती है मेल्स वगैरह। हेलो अंकित, कम ऑन यार, व्हाट ए बेल्ट, 24 कैरेट, ओके, आर यू रेडी फॉर द डांस एवरीबॉडी? ड्रॉ क्यों रहे हो? यस तो आराम से बोल दो। मेरी बहन दीदी, हाय, पागल जी, कनिका, हाउ आर यू? हाय बादशाह जी, हाउ आर यू? हाँ जी, हाउ आर यू? गुड। बिट्टू शर्मा, हाउ आर यू? आई डोंट केयर। हेलो, आप लोगों ने चिड़ियाघर का दरवाजा खुला रखा क्या? सारे बारी बारी से बाहर आ रहे हैं, तोते गेंडे बाहर घूम रहे, ये क्या था? ये ऐसे से करते ना, किसी गिर जाएगा अलग से, दाएं वाला दाएं तरफ, बाएं वाला बाएं तरफ। यही स्टेप था ना आपके सॉन्ग में, और देखिए स्टेप के अंदर तो ठुल्लू भी यूज हो गया। ओके ना, आप प्लीज बैठिए, इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं, बैठिए। कनिका जी, मैं वैसे आपने मेरा डांस का परफॉर्मेंस तो देख लिया, ये टैलेंट तो है ही मेरे अंदर, लेकिन क्या गाना भी मैं थोड़ा बहुत सीखना चाहती हूँ, तो ये किसी गाने में रियाज कैसे करते हैं, कैन यू टीच मी लिटिल? मेरे ख्याल से आपको तो जरूरत नहीं है वैसे, बट बैंसों को जरूरत होती भी नहीं है। कनिका गला साफ ही कर नहीं सकती, इसका शोल्डर के बाद सीधा चिन शुरू होती है, गला है नहीं, रोज सुबह एक साबुन तो गला ढूंढने में जाता है इसका। गला साफ मतलब रियाज करके गला साफ करना, मतलब क्या डिटर्जेंट के गरारे कर लूं? तुम्हारे हाथ में चाकू दे तेरा, मैं गला साफ कर देता हूँ। मैं आपको बता रही थी कि मैं ना गाना वाना थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, मैंने आपके लिए एक रैप तैयार किया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं पेश करूँ। गाइस, आर यू रेडी फॉर द रैप? तो लीजिए, रैप पेश है। ये तो खाने वाला रैप है। हाँ, तो ये खाने वाले रैप के प्रिपरेशन के ऊपर ही तो मैंने रैप तैयार किया है। अच्छा, सुनाऊं? हाँ, सुना सुना। ओके दीदी, आप जरा बीट देंगी? सुबह उठते मैंने आलू उबाले, मैश करके मैंने मसाले डाले, प्याज के कपड़े छील छील के, आंखों सोए मैंने अपने आंसू निकाले, मेरे सर पे आ गिरा फिर एक आटे का कनस्तर, सफेद सफेद हो गए मेरे सारे कलरफुल वस्त्र, झाड़ के खुद को थाली में फिर मैंने गूंदा है आटा, रैप को जोड़ने के लिए दोनों तरफ से मैंने चाटा। ए
तुम जब से आई मैंने तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। हाँ यार, धक्के खाओगी? आप कुछ तौहीन टाइप की नहीं कर रहे? तौहीन टाइप क्या था? तौहीन नहीं कर रहा मैं। अभी ना हमको किसी का जूते का वेट नहीं करते, पहले ही चले जाते हैं। सैनिकों आपको नहीं माना तो यार ऐसे तंग करने आ जाती है। एनीवेज, बादशाह, अंकित, कनिका, थैंक यू सो मच कॉमेडनेट्स में आने के लिए। आपने बहुत अच्छा आज माहौल बनाया और हमारे सुनने वालों को बहुत मजा आया। आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास सफाई रखें और देखते रहें कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि ये तीन धुरंधर यहां पे बैठे हों और हम इनको ऐसे जाने दें। जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप तीनों मिलके अपने चाहने वालों के लिए कुछ ना कुछ जरूर पेश करें।